नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल्ड मिरर, हर पल आपके साथ। और पुलिस लेके इलाका का कैरी करे, लेकिन ये हो नहीं सकता। डेमोक्रेसी में जनादेश जो आसानसोल में जो चुनाव हुआ, जो मतदान हुआ, हम लोग देखा है दो तीन विधानसभा केंद्रों में वो वोट लूटा, लेकिन जनादेश इतना भारी थे बाबू के पास जैसे हो 3 लाख का जीत गया, सातों विधानसभा जीत गया। बाड़वनी में जो आसामी चुनाव होंगे, इधर में विधान बोलो आसामी बोलो, जितना गुंडागर्दी करने करने दो, वो लोग ऐसे उसको जमानत नहीं रहेगा, ये साफ बात है। अरे भैया, क्या कहाँ पे कौन सी जगह में हम हारे हैं जो ये बोल रहे हैं? और गोष्ठी तो कुछ नहीं है, अब इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, वहाँ पे सारे एक्साइटेड लोग हैं, सब तृणमूल की गुंडागर्दी के खिलाफ जीतना चाहते हैं। तो जीतने वाले जो लोग होते हैं, आप फुटबॉल ग्राउंड में क्रिकेट ग्राउंड में येलो कार्ड रेड कार्ड नहीं देखते हैं क्या? थोड़ा बहुत घमासान आपस में जब झगड़े होते हैं तभी जाके निर्णय अच्छा होता है। अगर मुकुलदा भी मेरे को हंस के बोले, मैं भी मुकुलदा को हंस के बोलूं, तो जो सिद्धांत है वो गलत हो सकती है। अगर हम किसी चीज में थोड़ा सा वो करें ना, थोड़ा घमासान हो, तो जाके दादा का बात जो है मुझे समझ में आएगी, मैं क्या कहना चाहता हूँ दादा को समझ में आएगी, तो हम लोग जो डिसीजन है वो सही होगा। तो ये सब गोष्ठी दम दम तो कुछ नहीं था। अगर गोष्ठी दम तो होता तो दादा ने बोला 3-4 जगह में जो भारी मात्रा में वोट लूट किया गया, आप लोगों को भी मालूम है कहाँ कितना हुआ है, उसके बावजूद ही जनादेश 2 लाख का हमारे फेवर में वो नहीं रहता। और यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस ने जो फिर से बोल रहा हूँ कि दीदी जो कटबनी की बात करते हैं, कटबनी में दीदी को नुकसान हो रहा, क्योंकि पहले बोलते थे कि नेता लोग गुंडों को पालते हैं, और गुंडे लोग जो है वो पैसा आके नेता को देता है। जिसका जो 10% 20% है वो भी फासला नहीं रहेगा, पूरा का पूरा पैसा पार्टी में आएगा। तो बाराबंकी में भी वही देखा गया है, दादा दोनों का नाम लिया है, बहुत दिन से सब जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का जनादेश हमारे पक्ष में है, लेकिन जो गंदगी इन्होंने फैलाया, ये पार्टी ऑफिस को हड़प लेना और उसको तोड़ देना, उसको दखल करना, ये सब नहीं चलेगा। लोग हमारे साथ है तभी ये लोग ऐसे बदतमीजी करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ के लोगों को हम भरोसा दिलाने आए हैं। हम भी आए हैं, दादा जैसे सीनियर लोग आए हैं, और यंग में से शंकुदेव भी है हमारे यहाँ पे, अरिजीत जो है वो भी का इलाका है, वो भी है, मतलब सारे लोग हैं। आप देखेंगे आज आपको जलवा दिखेगा। सब महाराजगंज जो सरकार तो बनाई ही गई है, वाला कहते हैं कि ये पैसे के जोर पर बनाया जा रहा है, पैसे के जोर पर बनाया जा रहा है। किस बात, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी? नहीं नहीं, वो मलयदा बंगाल के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस के जोर में वो सरकार में है। पुलिस जिस दिन हट जाएगा, ममता बनर्जी भी हट जाएगा। मलयदा को महाराष्ट्र से क्या लेना है? बीजेपी का उम्मीदवार बहुत भारी मत से जीते खड़गपुर में जो